इस समय हम हैं हल्द्वानी में, जो कि मैदानी इलाका है। इसके बाद काठगोदाम होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमारी फिलहाल की मंजिल है सात ताल। सात ताल में यहाँ से काठगोदाम जो है वो करीब 4-5 किलोमीटर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी मंजिल सात वहाँ पर से रानीबाग से ऊपर को पर्वतीय इलाका है और हम अब चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारी मंजिल है सात ताल, जहाँ पर कि सात ताल हैं, 7 लेक्स हैं और उनका विवरण हम आपको फिर बताएंगे। तो चलते हैं पर्वतीय अंचल की तरफ। देखिए, अब हम पर्वतीय श्रृंखला आ गई है और हम बढ़ रहे हैं आगे। वो सात ताल हमारी डेस्टिनेशन है। ये कौन सी जगह है? और ये हम आ गए हैं इस समय काठगोदाम में। ये कितनी दूर है हल्द्वानी से? हल्द्वानी से ये करीब 5 किलोमीटर दूर है, 4-5 किलोमीटर। यानी 4-5 किलोमीटर के बाद पहाड़ दिखना चालू हो जाता है? 4-5 किलोमीटर के बाद पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है। और इस समय ठंडी हवा भी शुरू हो गई है और जहाँ पर से पहाड़ शुरू होंगे हम फिर वहाँ पर से अपनी इस यात्रा का वर्णन शुरू करेंगे। इस स्थान पर आते ही आप देख सकते हैं कि ट्रेन की पटरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये लास्ट पॉइंट है, ये काठगोदाम एक वो जगह है जहाँ की आखिरी स्टेशन है रेलवे का। यहाँ पर काठगोदाम तक ट्रेन आती है और इससे आगे ट्रेन आगे नहीं जाती है। तो जैसे ही हम पहाड़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। अब इस समय हम काठगोदाम में हैं, जो कि रेलवे का आखिरी स्टेशन है। रेल यहीं तक आती है। अब हम यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, एक उदीपी वाला रेस्टोरेंट है, वहाँ हम नाश्ता करना चाहते हैं और उसके बाद हम पहाड़ की तरफ को चढ़ना शुरू करेंगे। जब आप हल्द्वानी से चलते हैं तो आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक जाता है जोलीकोट को और एक जाता है भीमताल को। तो हम चल रहे हैं भीमताल के रास्ते पर। भीमताल के इस घुमावदार रास्ते पर चलते चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत जल्दी अब हम पुल आने के बाद पहाड़ी रास्ते पर चलने लग जाएंगे। अभी तक तो हम मैदानी रास्ते पर थे। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी दूर में अब ये पुल आ गया है और पुल में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब और पुल में प्रवेश करते ही अब हम ऊंचा, ये नदी भी है इधर ही, इस पुल के में प्रवेश करते ही अब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दाईं तरफ हमारे नदी बह रही है और ये देखिए पहाड़ का नज़ारा, हर तरफ पहाड़ी पहाड़, ऊंचाई ऊंचाई। और इस तरह से हम आगे को बढ़ रहे हैं सात ताल की तरफ को। हमारी डेस्टिनेशन है सात ताल। ये चौड़ी पत्ती वाले यहाँ पर पानी का पेड़ है, ये है पानी का स्रोत। यहाँ पर पानी आते रहता है बांज की पेड़ की। ये एक पहाड़ की खूबसूरती है कि थोड़ी थोड़ी दूर में आपको पानी के स्रोत मिल जाएंगे। ये पानी के स्रोत बहुत ही मीठे होते हैं और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह है HMT फैक्ट्री जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ी है। ये है HMT फैक्ट्री का दृश्य। ये उसके HMT फैक्ट्री के कर्मचारियों के मकान है, इसे आप देख सकते हैं। ये मकान है
बेल्ट पहन लीजिए, बेल्ट पहन लीजिए, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अरे ये तो हाँ कोई बात नहीं, ये वो नहीं बोल रहे। अब हम हल्द्वानी से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दृश्य है एक घाटी का, वैली का, जो कि बड़ा ही सुरम्य दृश्य है। और हम यहाँ पर से ज़रा आपको दिखाते हैं नीचे की तरफ वैली का दृश्य। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर से दिखाई दे रहा है कि नदी है। इस नदी का नाम क्या है? धौला नदी। इस नदी का नाम है धौला नदी। ये सुरम्य में बड़ा खूबसूरत दृश्य है। इसे देखने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाई नहीं देता ना, ये आप देख सकते हैं पर्वती सड़क का नजारा। बाई तरफ को हरे भरे पेड़ है, उसका आगे उसका वाहन और दाईं तरफ आप देखिए भूस्खलन का नजारा है। हल्द्वानी से कहाँ की तरफ जंगल में बन रहे हम कार में बैठे हुए हैं और कार में बैठे बैठे हम ये नजारा ले रहे हैं। अभी को बन रही है सड़क, देखिए हल्द्वानी मिलाएगी और शॉर्टकट। अभी तो हम इस स्थान पर हैं और हमें पहुंचना है वो ऊपर जो सड़क दिखाई दे रही है वहां पर। ये सड़क यहां से दिखाई दे रही है, देना पड़ेगा ना। देखिए इस तरह से तीन नीचे से हम इस प्रकार से ऊपर ऊपर में रोड देखिए आप, ये भी एक अजीब अद्भुत नजारा है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेन्स का नज़ारा। ये पहाड़ियों के आखिरी में अंत में आप देखेंगे कि बिल्कुल सपाट सरफेस ये नज़ारा भी अद्भुत है। ये है टोडरो। यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर रास्ता कटता है। रास्ता यहाँ पर से कटता है सात ताल के लिए। हमारी जो चीजें है आज सात ताल है, तो हम सात ताल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें सात ताल की तरफ को जाने के लिए ये रास्ता है, ये दुकान है, इसके बगल से ये रास्ता जाता है। ये देखिए अब हम सात ताल की तरफ चलते हैं। शायद ये जरा रास्ता तो बड़ा खाबड़ है, लेकिन सात किसी ज़माने में ये रास्ता बहुत बढ़िया था, लेकिन अब बड़ा खाबड़ हो गया है। ऐसा रास्ता करीब एक किलोमीटर है। और इधर देखिए बाई तरफ आप देखें तो बड़ी अच्छी ग्रीनरी। सात ताल की नहीं ना? अच्छा कहाँ से जाएं फिर? सात ताल का रास्ता जो है बहुत खराब है बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ से जाएंगे। हम इस समय भीमताल के पास हैं। भीमताल
फेमस है आइलैंड के लिए। यहाँ पर आपको सामने आइलैंड दिखाई देगा। अब आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं पीले कलर में ये टापू है। इस टापू के लिए भीमताल मशहूर है। इसमें एक किंवदंती भी है, ये भीम महाबली भीम पांडवों में थे। पांच पांडवों में से एक पांडव जो थे उन्होंने इसको इसका निर्माण करवाया था। यह भीमताल लेक का नज़ारा आप दूर में महसूस करेंगे कि वहाँ पर एक टापू है जिसका संबंध पांच पांडवों में से एक पांडव महाबली भीम के नाम से है। तो अब हम आगे भीमताल की मार्केट है। भीमताल का तालाब हमने आपको दिखाया था। ये तालाब जो है हल्द्वानी से चलते हुए यहाँ पर 25 किलोमीटर की दूरी पर है और हम अब बढ़ रहे हैं सातताल की तरफ को। सातताल के लिए जो रास्ता है उस वहाँ पर हम आपको फिर बताएंगे कि किस तरफ को चलना है। वहाँ पर वो बोर्ड का फोटो लेंगे आप जहाँ पर से सातताल को चलेंगे। ये नजारा है सामने भीमताल की लेक दिखाई दे रही है। भीमताल की लेक है और उनका मैदान है। अब क्या दिखेगा? हाँ कटता है यहाँ से 600 मीटर बाद ही कटेगा। हाँ वो है पता है मुझे। मेहरा स्टेट बकायदा रोड है पक्की है। हाँ 500 मीटर बाद 500 मीटर बाद एक रोड है लेफ्ट पर जाती है। 400 मीटर बाद अब कह रहा है तो है रोड जब इसने बता दिया तो बता दिया। मुझे पता है ना मॉडर्न स्कूल
300 मीटर बाद 260 मीटर 230 मीटर बकायदा रोड है 160 मीटर चौरा तिरा है 160 मीटर 130 मीटर सामने दिखाई देगा 100 मीटर सामने दिखाई दे हल्का करो रुको रुको अब तुमने तो पहले ही निकाल लिया ना चलो अब ये रोड एक तो जा रही है भवानी को और एक जा रही है कि ये 7 साल को हम कितना किलोमीटर चल चुके आ चुके हैं 31 देखिए हल्द्वानी से ये स्थान करीब 31 किलोमीटर दूर है और 31 किलोमीटर दूर में ये सड़क 7 साल की तरफ हमें ले जा रही है खूबसूरत नज़ारा जंगल है देखिए खूबसूरत ताल है ये है नज़ारा गरुड़ ताल का ये देखिए आप इसको देख सकते हैं इसे कहते हैं गरुड़ ताल है हाँ ये है सीता ताल देखिए कितना लंबा एरिया है इसमें ये तालाब दिखाई दे रहा है कितना लंबा ये सीता ताल है इस तरह से कुल 7 ताल हैं एक ताल ये भी है ये 7 ताल है ये जो है 7 ताल है वो जो कोने वाला है सीता ताल है अच्छा ये एक और ताल है कौन सा ताल है समझ में नहीं आया ये पुरना ताल है ये पुरना ताल है इस तरह से इसमें यहाँ पर ये सीता 7 ताल है और उसके आगे वो सीता ताल है ये देखिए ये खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का और चारों तरफ ये प्रकृति का चमत्कार है ये अद्भुत नज़ारा कम ही देखने को मिलता है और ये भी एक अद्भुत सी बात है कि एक ही स्थान पर छोटे से स्थान पर एक 3-4-5 किलोमीटर के जो है जिससे कि ये स्थान डेवलप हो सके हाँ नहीं यही अच्छा अब हम आपको दिखाते हैं कि एक छोटे से इलाके में 3 तालाब एक तालाब तो ये है दूसरा तालाब जो है इसका नाम 7 ताल है और 7 ताल के बाद आगे आप देखेंगे कि वो है सीता ताल के पश्चात अब आप देखिए ये नज़ारा इस एक और ताल का इस प्रकार से कुल यहाँ पर 7 ताल हैं उनके नाम क्रमशः हैं राम ताल लक्ष्मण ताल सीता ताल हनुमान ताल गरुड़ ताल 5 ताल तो ये हैं और 2 नाम और क्या हैं दो नाम और हम नहीं बता पाए थे उनके नाम हैं हनुमान ताल और नल दमयंती ताल इस प्रकार के 7 तालाब हैं और ये आपने देखा
प्रकृति का कितना खूबसूरत नजारा है। खराब कर दीजिए सर। देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है, चारों तरफ जंगल जंगल ही जंगल। ये देखिए आप इस तरह का नजारा कम ही देखने को मिलता है। अब आप फिर देखिए नजारा है, हम सड़क पर जा रहे हैं और लगातार जंगलों से ढका हुआ ये इलाका है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं और अब इसके सामने ही जो है वो एक और तालाब है। जैसा कि हमने बताया कुल 7 तालाब हैं और ये नज़ारा है एक और तालाब का। ये देखिए नज़दीक से नज़ारा है, ये गरुड़ ताल है, इसे गरुड़ ताल कहते हैं और ये नज़ारा है गरुड़ ताल का। जैसा कि हमने पहले भी कहा कुल 7 ताल हैं यहाँ पर, उसे क्रमवार हम फिर से बताते हैं, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, हनुमान ताल, गरुड़ ताल और नवदमयंती ताल। आगे ताल है वो वहाँ है, रॉबिन है, रस्सा है, सब चीज़ है। ये है हनुमान ताल वहाँ पर है ना, ये अतिथि गृह है, ये सब अतिथि गृह है यहाँ पर आते हैं, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। हल्द्वानी से 7 ताल होते हुए अब हम भवानी में पहुँच गए हैं और भवानी जो है वो करीब 48 किलोमीटर से है हल्द्वानी से, 48 किलोमीटर चलने के बाद इस समय हम भवानी शहर से गुजर रहे हैं। यहाँ का दर्शनीय एक स्थल है, ये मंदिर है बहुत खूबसूरत, और इसके बाद भवानी चौराहे पर पहुँचने के बाद एक रास्ता बाईं तरफ को नैनीताल को जाता है और एक रास्ता दाईं तरफ रानीखेत की तरफ को जाता है, और हम उसी रास्ते पर हैं। भोले की छोटी सी मार्केट है पर अब देखिए यहाँ पर से 2 रास्ते हैं, एक बाई तरफ हो गया जहाँ को गाड़ियाँ जा रही हैं नैनीताल की तरफ हल्द्वानी की तरफ, और दूसरा रास्ता ये बाई तरफ का रास्ता और अब ये दाई तरफ का रास्ता है। हमें दाई तरफ जाना है क्योंकि हमें रानीखेत जाना है, इसलिए अब हम चले रानीखेत। अब हम पहुंच गए हैं रामगढ़ में, यहाँ पर विद्युत लघु जल विद्युत परियोजना चल रही है और इसे आप देख सकते हैं। ये आप देखिए इस लघु विद्युत परियोजना का नज़ारा, ये ऊपर से पानी आ रहा है, देखिए ये पानी आ रहा है और बड़ी मज़ेदार बात है ये पुल हल्का हल्का हिल भी रहा है। ये इसके बाद ये नज़ारा, ये नदी आगे को चली जाती है, नदी देखिए आगे को जा रही है,
खूबसूरत नज़ारा है। ये पानी इस तरह चले जा रहा है और ये रास्ते में रानीखेत के रास्ते में सात ताल से रानीखेत आते वक्त ये नज़ारा है, इसे आप देख सकते हैं कभी भी। ये रामगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है उसकी डिटेल्स, इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, एक रास्ता ये जो है अल्मोड़े पे जाता है और ये लोहे का पुल है और ये हम जा रहे हैं रानीखेत। तो यहाँ पर से रानीखेत करीब 30 किलोमीटर है और बस यहाँ से हम चाहते हैं कि रानीखेत जिला बने, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि रानीखेत जिला बन के रहेगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं इस नदी का दृश्य और ऊपर ये बेताल घाट को रोड जा रही है। अब हम ये दृश्य है पहाड़ का और हम आपको ये सामने जो रोड है ये रीची को जाती है और रीची के बाद भद्रासन को जाती है और ये रास्ते में जंगल में आग लग गई है, ये इसे फॉरेस्ट फायर कहते हैं। और कई दफ़े यही आग जब बहुत फैल जाती है तो यह कहर ढा देती है, पूरा जंगल का जंगल साफ कर देती है, जानवरों को बर्बाद कर देती है और जो भी वेजिटेशन है उसको ख़त्म कर देती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि गांव वाले आएंगे और इसको बुझाएंगे या फिर वन विभाग के लोगों से इसकी शिकायत करेंगे जिससे कि आग जल्दी ही जल्दी बुझाई जा सके। हाँ, घुमा तो दिया। ये यहाँ पर ये रानी हल्द्वानी से हम इस समय 73 किलोमीटर दूर हैं, रानीखेत से तकरीबन 20 किलोमीटर और रानीखेत यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर है। और ये जो आग लगी हुई है देखते हैं इसे कैसे कितनी जल्दी बुझाया जाता है, ये ग्रामीणों की और सरकार के ऊपर निर्भर है। अब हम रानीखेत पहुँच गए हैं, ये रानीखेत की माल रोड है, आर्मी गेट, ये आर्मी का एरिया है, कटक पालिका का टेंट वेंट बोर्ड का और बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पर इन्होंने स्लोगन्स लगाए हुए हैं। मेजर क्वार्टर, ये सामने मेजर क्वार्टर थे और जरा हल्का करना यहाँ पर इसका सब वो दिखाएंगे। ये देखिए, तुमने रुका ही नहीं, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा इसे। ये देखिए आप कितना खूबसूरत वो नज़ारा है इसका। रोकना पड़ेगा मिस्टर, आज रोको, मैं आप भूलिएगा मत। बिलवा क्या हुआ, क्यों हो गया ये? कुछ नहीं, वो है तमीज से नहीं चलना ना। आपका क्या कुछ है, कोई चक्कर है छोटा मोटा? कुछ नहीं था, होगा कोई चीज गिरा हुआ हो बस ही वगैरह। रुकना, ये देखिए, ये सामने देखिए, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये है नज़ारा नर्सिंग ग्राउंड का और ये नर्सिंग ग्राउंड एसडीएम कार्यालय है। इसको जिला इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज तो सारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है और ये खूबसूरत इलाका है,
इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाए यदि ये जिला बन जाए। अब यहाँ की जनता ने ये घोषणा कर दी है कि अगर 31 मार्च तक ये जिला नहीं बना तो आंदोलन किया जाएगा और बहुत शीघ्र अप्रैल के महीने में भूख हड़ताल होगी। प्रारंभ में हम इसे एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी, जिसकी की उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा मौका हमें नहीं देंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर आमरण अनशन किया जाएगा। ये भी मोड़ पे आया। आमरण अनशन करने के बाद हमें उम्मीद है कि जिला जरूर मिलेगा। वैसे मुख्यमंत्री जी अब जनता की भावनाओं को समझते हुए हर हालत में रानीखेत को जिला बना दे, जिला बनाने की कृपा करें और आपके सब लोग शुक्रगुजार होंगे हमेशा के लिए। धन्यवाद।